क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर पहुंच चुकी है और यहां पहले तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी और फिर वनडे मैचों की सीरीज होगी। अब ये पहली बार होगा जब विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी के अलावा किसी और की कप्तानी में खेलेंगे, क्योंकि विराट कह चुके हैं कि वो रोहित की कप्तानी में खेलने को तैयार है, चयन के लिए उपलब्ध भी है वनडे सीरीज के लिए। लेकिन इसके साथ ही विराट ने ये भी कहा था कि गांगुली ने कप्तानी को लेकर झूठ बोला, उन्हें किसी ने भी T20 की कप्तानी छोड़ के लिए नहीं कहा, जिसके बाद बवाल मच गया। और अब बड़ी बात यह है कि बीसीसीआई ने इसके लिए 8 गवाह खड़े कर दिए हैं, और इससे भी बड़ी बात यह है कि विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया, और वैसे ही बीसीसीआई भी जवाब देगा, लेकिन इस बार बीसीसीआई का हथियार होंगे रोहित शर्मा। जी हां, वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा इसके लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहे हैं। तो क्या है नया डेवलपमेंट, क्या है बीसीसीआई का नया रोहित शर्मा वाला प्लान, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टीम इंडिया में, भारतीय क्रिकेट में, यहां तक कि पूरी दुनिया भर की क्रिकेट में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि मामला सीधे सीधे दुनिया के सबसे ताकतवर बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष और कप्तान के बीच लड़ाई का है, संग्राम का है। विराट ने साफ साफ कह दिया है कि गांगुली या फिर किसी और ने उनसे कभी नहीं कहा कि T20 की कप्तानी मत छोड़ो। विराट ने कहा कि जब मैंने कप्तानी छोड़ने की बात कही तो सभी ने कहा कि अच्छा फैसला है। अब विराट के इस बयान के बाद खासा बवाल हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि बीसीसीआई इस पर कुछ जवाब जरूर देगा, लेकिन टेस्ट मैचों में टीम पर इसका गलत असर ना पड़े, इसलिए बीसीसीआई ने सौरव गांगुली ने इस पर चुप्पी साध ली, मगर तैयारी कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ी, तैयारी पूरी कर ली। जी हां, बीसीसीआई भले ही चुप है, लेकिन बीसीसीआई ने सितंबर में हुई इस मीटिंग की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल ली है और सभी 8 गवाहों को खड़ा करने की तैयारी कर ली है जो कि उस मीटिंग में मौजूद थे। जी हां, उस मीटिंग में सिर्फ विराट कोहली और सौरव गांगुली मौजूद नहीं थे, बल्कि कई सारे अन्य लोग भी मौजूद थे। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक सितंबर में जिस मीटिंग में विराट ने इस्तीफा देने की बात कही थी, उसके पूरे 8 गवाह हैं और वो सारे 8ों लोग उस मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें पहला नाम है सौरव गांगुली, दूसरा नाम है जय शाह, तीसरा मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा, और इनके अलावा 4 अन्य चयनकर्ता भी मौजूद थे, यानी कि 7 हो गए ये लोग, और 8वें शख्स थे उपकप्तान तब के रोहित शर्मा। जी हां, तब के उपकप्तान और अब के कप्तान रोहित शर्मा भी उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें विराट कोहली ने T20 कप्तानी छोड़ने की बात कही थी। बीसीसीआई के मुताबिक विराट ने जैसे ही कप्तानी छोड़ने की बात कही तो गांगुली ने उनसे तुरंत कहा कि क्या ये फैसला ठीक होगा, तो विराट ने कहा कि हाँ, वो मन बना चुके हैं। गांगुली ने विराट से एक बार फिर पूछा कि एक बार फिर से सोच लो, एक बार फिर से समझ लो, लेकिन विराट ने कहा कि वो तय कर चुके हैं और वो कप्तानी से इस्तीफा दे देंगे T20 की, और वनडे टेस्ट मैचों की कप्तानी करते रहेंगे। यानी कि विराट से साफ साफ कहा गया था कि अपने फैसले पर फिर से पुनर्विचार करें, अपने फैसले पर फिर से एक बार सोचें, जल्दबाजी ना करें, और इसके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 गवाह वहां पर मौजूद थे। अब बीसीसीआई ने इस पूरी मीटिंग के मिनट्स वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल ली है ताकि वक्त पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर उसे सामने लाया जाए और पूरा सच भी सभी को बताया जाए, क्योंकि इस विवाद से बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली और बोर्ड की खासी किरकिरी बदनामी हुई है। बीसीसीआई का अगला प्लान रोहित शर्मा को लेकर है। जी हां, वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा वनडे सीरीज के लिए अफ्रीका जरूर जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा हैमस्ट्रिंग की दिक्कत नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा किसी भी हाल में वनडे सीरीज को मिस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो पहली बार यहां पर कप्तानी करेंगे। इसीलिए रोहित ने एहतियात के तौर पर टेस्ट सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया ताकि वनडे मैचों के लिए 100% फिट हो जाएं, और जब रोहित शर्मा वनडे सीरीज के लिए अफ्रीका जाएंगे तो फिर मीडिया के सामने भी आएंगे, और जब रोहित से उस मीटिंग को लेकर सवाल होंगे तो फिर रोहित शर्मा भी वैसे ही सीधे शब्दों में मीटिंग में जो कुछ हुआ, जो सच सच वहां पर हुआ था, वो सब कुछ बताएंगे और विराट कोहली की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख देंगे। यानी कि बीसीसीआई अब रोहित शर्मा के सहारे विराट को चित करने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड खुद कुछ नहीं बोलेगा, मगर रोहित शर्मा के जरिए वो सब कुछ कहलवा देगा जो कहना चाहता है, और साफ साफ संदेश विराट कोहली को भी मिल जाएगा कि अब वो सबसे ताकतवर भारतीय क्रिकेट में नहीं है, क्योंकि उनका दौर खत्म हो चुका है। विराट कोहली का और रोहित शर्मा का युग यहां पर आ चुका है। तो कुल मिलाकर अब इंतजार रोहित शर्मा को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जो कि रोहित शर्मा अफ्रीका जाने से पहले या फिर अफ्रीका सीरीज के खत्म होने के बाद करेंगे, लेकिन रोहित बोलेंगे इतना
करना तय है और बीसीसीआई के मुताबिक ही बोलेंगे, ये भी तय है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में विराट कोहली झूठ बोल रहे हैं या फिर विराट को अलग थलग करने के लिए, विराट को टीम से बाहर करने के लिए बीसीसीआई ऐसे प्लान बना रहा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया के स्टार ऑल राउंडर रविंद्र जडेजा ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया है और जड्डू इसका ऐलान भी करने वाले हैं। रविंद्र जडेजा को लेकर सूत्रों के हवाले से पक्की खबर आपको बता रहे हैं, रविंद्र जडेजा रेड बॉल क्रिकेट यानी कि टेस्ट मैचों से संन्यास का फैसला कर चुके हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। अब ये फैसला क्यों लिया गया, धोनी की क्या भूमिका है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि वो तारीख कौन सी होगी जिस दिन घोषणा होगी। तो रविंद्र जडेजा फिलहाल चोटिल हैं और उम्मीद की जा रही है कि जडेजा अगले 2 हफ्तों में ठीक हो जाएंगे और फिर टीम में चयन के लिए भी रेडी होंगे। और उसके बाद जैसे ही रविंद्र जडेजा का चयन साउथ अफ्रीका जाने वाली वनडे टीम में होगा तो उसके अगले ही दिन रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर देंगे और वो तारीख 30 दिसंबर की हो सकती है। जी हाँ, 30 दिसंबर की तारीख नोट कर लीजिए और ये रविंद्र जडेजा के संन्यास की तारीख हो सकती है। और उसके बाद कानपुर में खेला गया टेस्ट मैच जडेजा के करियर का आखिरी टेस्ट मैच साबित भी होगा। अब वजह भी आपको बताते हैं, तो रविंद्र जडेजा हाल के दिनों में कई बार चोटिल हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे में जड्डू चोटिल हुए थे, उसके बाद भी उन्हें चोट लगी और अब एक बार फिर से चोटिल होकर अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। खबरों के मुताबिक रविंद्र जडेजा ने अपनी चोट और अपनी भविष्य को लेकर महेंद्र सिंह धोनी से बात की, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स में जड्डू के कप्तान हैं और जड्डू के बेहद करीब भी हैं और काफी मैच्योर भी हैं। तो खबर है कि धोनी ने ही रविंद्र जडेजा को सलाह दी है कि वो अपना लिमिटेड ओवर करियर लंबा करने के लिए टेस्ट मैचों से संन्यास ले लें। जी हां, धोनी ने ही जड्डू को ये सलाह दी और धोनी की सलाह के बाद रविंद्र जडेजा ने तय कर लिया कि वो अब सिर्फ वनडे और T20 मैच ही खेलेंगे, टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, जिससे चोटिल होने की संभावना कम होगी, उनका लिमिटेड ओवर करियर लंबा खींच सकेगा। और खुद महेंद्र सिंह धोनी ऐसा पहले कर चुके हैं, जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में ही उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था टेस्ट मैचों से और 30 दिसंबर 2014 को टेस्ट मैचों से संन्यास लेने के 7 साल बाद अब भी धोनी लिमिटेड ओवर्स का गेम खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं। और इसीलिए धोनी ने जड्डू को भी यही फॉर्मूला बताया है, यही सलाह दी है कि टेस्ट मैचों से संन्यास ले लो और लिमिटेड ओवर का करियर लंबा कर लो। जो कि अब रविंद्र जडेजा भी मन बना चुके हैं, फैसला कर चुके हैं, बहुत जल्द धोनी की तर्ज पर टेस्ट मैचों से संन्यास का ऐलान कर देंगे। अब बहुत संभावना है कि धोनी की संन्यास की ही तारीख यानी कि 30 दिसंबर को ही रविंद्र जडेजा भी संन्यास का ऐलान कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो ये भी एक युग का अंत होगा। हालांकि जड्डू का जलवा लिमिटेड ओवर में दिखता रहेगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्हें याद किया जाएगा, क्योंकि वहां भी बॉल और बैट दोनों से ही जडेजा ने खासी लंबी छाप छोड़ी है। तो आपका क्या मानना है, जडेजा के संन्यास से टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में कितना नुकसान होगा और जडेजा को लिमिटेड ओवर में कितना फायदा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।